आज हम जो महिंद्रा की जीप आती है या जो थार है अभी करंटली DI मॉडल, उसमें जो ये वाइपर हार्ड हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम देखेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही ये डैशबोर्ड के सारे बोल्ट खोल के मैंने निकाल लिया है। इसका ये वाइपर असेंबली है, व्हील असेंबली है, ये हार्ड हो जाती है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारी मोटर है जो ओरिजिनल कंपनी की है, इसको भी हमने साफ कर लिया है। ये हमने पूरा डैशबोर्ड खोल लिया है। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक है, एक एक ये यहाँ पे है, यहाँ पे दो ये इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने मार्केट से ये परचेस किया है, ये ब्रांडिंग है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जैसे budmo.com है उस पर अवेलेबल है। ये महिंद्रा थार में अभी भी यही आता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमने दो वाइपर ब्लेड और ये दो वाइपर व्हील असेंबली परचेस की है। ये वाइपर की रोड है, इसको हमने केरोसिन की मदद से इसको साफ कर लिया है। ये रही मोटर, मोटर को भी मैंने साफ कर लिया है। आपको इसको ऐसे असेंबल करना है। अब इसमें पहले हम ये वाली पाइप डालेंगे, ये पहली पाइप है। इसमें ये बोल्ट मोटर की तरफ रहेगा। ऐसे मन हो गया। उसके बाद ये को हम खोल लेंगे। ये खोल के आपको ले लेना है ये सब, और ये रबड़ रहने देनी है, ये अंदर साइड से लगेगी। और यहाँ पे ये मोटर है वो ऐसे लगेगी। इसमें जो ये है बॉक्स है इसको ऐसे करेंगे हम इंस्टॉल, जो गियर है, गियर है इसको ऐसे, क्योंकि ये बाहर साइड ऐसे लगेगा। और ये जो गियर है उसमें यहाँ पे ये जो है उसमें फंसाना है, यहाँ पे पूरा अंदर आ जाना चाहिए बस। यहाँ पे ऐसे लगाना है, उसके ऊपर से हम जो निकाला है उसको कवर लगाना है, कवर लगा देंगे। इसके ऊपर दूसरा पाइप लगेगा जो बड़ा वाला है, इसमें जो लंबा साइड है ये बाहर की साइड रहेगा। और जो तो मेरे आपने जैसे वो निकाला है वो थोड़ा याद रखने का, निकाला कैसे था वो कभी कभी अपने हिसाब से मुड़ जाता है, ताकत ज़्यादा लगेगी जब ये जाम होता है तब ये पाइप थोड़ा मुड़ेगा। फिर से हम दूसरा भी इसको ऐसे ही खोल, जैसे दूसरा गियर है इसको खोल के एक ऊपर वाला कवर, फिर उसको भी ऊपर लगा देना है। कवर लास्ट में लगाना है, एकदम सब खत्म हो जाएगा उसके बाद। ये दूसरा वाला गियर है जो है इसको भी सेम जैसे इसको इंस्टॉल किया था, इसको भी ऐसे डाल के दोनों एक याद रखने का, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। और वो भी देख लेने का कि मोटर के डायरेक्शन में रहो, वरना फिर लगने पे उल्टा हो जाएगा तो पूरा फिर से खोलना पड़ेगा।
फिर से मैं इसको भी निकाल लेना। ये जो है बोल्ट ए वाइपर साइड लगता है पूरा, बाहर से लगेगा, बाहर से लगेगा। ऐसे हमको पूरी सेटिंग कर लेनी है इसके अंदर। अब इसको हम अंदर लगाएंगे, खासकर ए ए जो है ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना का कि ये पूरा छू ले। यहाँ पे एक और पाइप आएगी जो लास्ट में छोटी सी, वो लगाने के बाद लगाएंगे डैशबोर्ड के अंदर से। रुक रुक रुक, शायद नहीं दिखेगा, लगा मैं बाहर से लगा देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जल्दी डाल दे। हाँ पहले हम ये रबर, इसमें रबर की पहले वॉशर लगाएंगे। वॉशर लग जाने के बाद ये बोल्ट, ये नट कस देना है पूरा, ये टाइट हो जाए थोड़ा, उसके बाद से ये व्हील कैप आएगा। इस साइड वाले के साथ भी करेंगे, पहले ये वॉशर। वॉशर लग जाने के बाद ये बड़ा वाला बोल्ट नट, पहले आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा लेना, फिर हम टाइट करेंगे लास्ट में फाइनली। आप थोड़ी देर रुक के, ये हमारा पाइप हो गया, इसे टाइट कर लेंगे। एकदम हार्ड टाइट नहीं करना है, मीडियम करना है। रबड़ आता है, रेड सील है, रबड़ सील है, अपने आप कस के रखेगी, टाइट रखेगी। यहाँ पे ऐसे इसको सेट कर लेंगे। इस सेटिंग हो जाने के बाद इसको ऐसे एडजस्ट करके, जो हमने ये स्टार्टिंग में कवर निकाला था ये हम उसमें ऐसे लगाएंगे। फिर उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे। टाइट हो गया, ऐसे ही कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से हम वहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे, पर ऐसी ही सेम प्रोसेस वहाँ पे ड्राइवर साइड भी होगी, ड्राइवर साइड भी होगी। ठीक है, ये हमारा फिट हो गया। अब यहाँ पे हम पहले मोटर की सेटिंग कर लेंगे इसके साथ, व्हील के साथ। तो ये इसको यहाँ पे लाके छोड़, ये इसमें हम यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करके वायर के हमें ज्यादा टाइट तो नहीं कर ली ना। ना ना ना, नहीं किया।
टाइट तो ज़्यादा नहीं हो गई है। इसको यहाँ पे एडजस्ट करके फिर इसको ऐसे लगाएंगे, फिर इसमें ये वाला वॉशर ऐसे प्रेस करके फिर इसको कर सकिए वॉशर सर्किट लगेगी, ये सर्किट सर्किट आपको ये लग गई। इसमें वो तो नहीं था नहीं भी। ऐसे हम इसमें सर्किट लगा के इसको फिट कर लेंगे, कवर लगाना है, ठीक है कवर लगाना है। इसको कवर हम लास्ट में लगाएंगे, अभी ऐसे नहीं लगाएंगे, लगा देंगे ठीक है। इसको चाहिए ओके, अभी हम मोटर को ऐसे पैक करेंगे। मोटर यहाँ पे फिट कर दी गई है और ये कनेक्शन कर दिया है, ये इसका रिले है सेट कर दिया है, और ऊपर ये जो भी कुछ था सब पाइप यहाँ से जो भी है इसको सेट करके अब बाहर हम वाइपर लगा लेंगे। ये रबड़ लगा लेंगे, ये रबड़ लगा के वाइपर का ऐसे रख के ये जो स्क्रू है बाहर का अटैच कर लेंगे। इसमें 13 नंबर भी पाना लगेगा, अभी हमारा वाइपर पूरा अच्छी तरह काम कर रहा है।